बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी अपनी लाडली बेटी अथिया शेट्टी के होने वाले हस्बैंड केएल राहुल को अपने बेटे की तरह मानते हैं, क्योंकि राहुल के अंदर वह सभी दामाद वाले गुण हैं जिसकी वजह से सुनील शेट्टी केएल राहुल को बेस्ट दामाद समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल से पहले बॉलीवुड के चार अभिनेताओं को अपना दामाद बनाने वाले थे, पर किसी वजह से अन्ना उन चार अभिनेताओं को अपना घर जमाई बनाना चाहते थे। चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नंबर एक, टाइगर श्रॉफ। सुनील शेट्टी को अपने दामाद के रूप में टाइगर श्रॉफ बहुत ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वो दिखने में भी हैंडसम और अमीर भी हैं और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी हैं। लेकिन जब सुनील शेट्टी को पता चला कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी को धोखा दे दिया, तब इन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपना दामाद बनाने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। नंबर दो, करण देओल। सनी देओल भी बड़े बेटे करण देओल को भी अपना दामाद बनाने का सोच चुके थे, पर करण ने जब अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से चोरी चुपके सगाई कर ली तो इनका दिल टूट गया। इन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि करण रिलेशनशिप में है, इसलिए ये अपनी बेटी का रिश्ता लेकर देओल खानदान में नहीं गए। नंबर तीन, सनी कौशल। सनी कौशल बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे हैं जो काफी अमीर हैं। सनी कौशल के पापा श्याम कौशल के साथ सुनील शेट्टी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए इन्हें सनी कौशल अपने घर जमाई के तौर पर अच्छे लगे। पर सनी कौशल 5 साल तक शादी करने के मूड में नहीं है और इनकी बेटी को अभी शादी करनी है, इसीलिए सुनील शेट्टी ने मिस्टर कौशल को अपना दामाद बनने का विचार त्याग दिया। नंबर चार, सिद्धार्थ मल्होत्रा। जी हाँ, सुनील शेट्टी की इच्छा थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इनके हैंडसम दामाद बने और इनकी आधी प्रॉपर्टी के मालिक भी, पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहले ही कियारा आडवाणी को सेट कर लिया था, जिसके चलते सुनील शेट्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर इन्होंने लास्ट में आकर अपनी बेटी की पसंद केएल राहुल को ही अपने घर का दामाद बनाने का फैसला किया, जो अब इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अथिया शेट्टी की जोड़ी किस दूसरे अभिनेता के साथ आपको बेस्ट लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।